एल्विश यादव के मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रही है मनीषा रानी। क्या वाकई एल्विश यादव को कर दिया है मनीषा ने गुस्से में आकर ब्लॉक? गाइस आप सभी को बता दूं कि लगातार एल्विश यादव वर्सेस मनीषा रानी की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा चल रही है, जहां मनीषा रानी को डिफेम करते हुए नजर आ रहे हैं एल्विश आर्मी। खास तौर पर एल्विश आर्मी का मानना है कि मनीषा रानी ने बहुत बुरी तरीके से एल्विश यादव को ट्रीट किया है और कहीं ना कहीं उसे हैरास किया है। अब इसी को लेकर देखते हुए मनीषा रानी को एल्विश आर्मी ने बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया, जिसके बाद हाल में ही जहां पार्टी होने वाली है एल्विश यादव और बाकी सभी घर वालों की, इस पर मनीषा रानी को भी इनवाइट करने के लिए उन्होंने कॉल लगाया था, लेकिन मनीषा रानी ने ना ही मैसेज का रिप्लाई किया और ना ही कॉल का अटेंड किया और ना ही कॉल के रिस्पॉन्सेज दिए। इनफैक्ट एल्विश यादव ने अपने व्लॉग में भी कहा कि उन्होंने स्पेशली आशिका भाटिया से मनीषा रानी का नंबर लिया है ताकि वो मनीषा से कॉन्टैक्ट कर सके। और इनफैक्ट उनके भाई और फ्रेंड ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि वेल एल्विश बाद में चलकर मनीषा रानी से माफी भी मांगने वाला है। इनफैक्ट आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव को कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, जिसकी माफी मांगने वाले हैं एल्विश यादव मनीषा रानी से। अब हालांकि मनीषा रानी तो अभी तक फिलहाल उनके मैसेजेस और कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो लोगों का मानना है कि यहाँ मनीषा अभी भी काफी खफा है एल्विश से। हालांकि अब आगे वक्त बताएगा कि एल्विश यादव और मनीषा रानी की दोस्ती में क्या कुछ बदलाव आते हैं आगे, या फिर ये ऐसे ही नाराजगी चलती रहेगी। लेकिन सोशल मीडिया वॉर की बात करें तो इधर मनीषा रानी के फैंस और एल्विश यादव की आर्मी दोनों में काफी कड़ी टक्कर चल रही है। वेल क्या लगता है आपको, वाकई मनीषा रानी को एल्विश यादव को ब्लॉक कर देना चाहिए? वेल डू लेट अस नो योर रिएक्शन मनीषा वर्सेज एल्विश आर्मी के इस जंग में। अपने रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें।